जीएसटी नंबर क्या होता है? आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी नंबर क्या होता है और जीएसटी नंबर आपको कैसे मिलता है और इसका यूज़ क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि जीएसटी नंबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको जब आप लोग यहाँ पर आए फेसबुक में या इंस्टाग्राम में टैक्स इन्फॉर्मेशन भरते हो, टैक्स की जो डिटेल्स रहती है वो आप लोग वहाँ पर फिल करते हो, भरते हो, तो वहाँ पर आपको ये वर्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। तो आज की इस वीडियो में आप बात करने वाला हूँ कि जीएसटी नंबर क्या होता है और ये आपको कैसे मिलता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखोगे तो यार आपको जानकारी पता नहीं चल पाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि जीएसटी नंबर क्या होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जीएसटी नंबर होता है वो क्या होता है, उसको थोड़ा पहले समझ लीजिए। तो देखिए जीएसटी नंबर खासकर उन लोगों के लिए बना होता है जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़्यादा अर्निंग करते हैं, कहीं से भी उनका जो इनकम सोर्स हो गए वो ऐसी जगह पर जो लोग पैसा कमाते हैं तो उनको ये जीएसटी नंबर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर कहीं से आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाते हो, ठीक है, ऑनलाइन पैसा कमाते हो, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से भी आप लोग पैसा कमाते हो तो, और उसमें जो टैक्स फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर एक जीएसटी नंबर मांगता है। तो ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। यदि आपके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो आपके पास में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और मैं बात करता हूँ कि जो आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक में आपको बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है तो वहाँ पर क्यों मांगता है, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए आप लोग समझ लीजिए पहले। यदि आपको फेसबुक में जब आप लोग टैक्स फॉर्म भरते हो या इंस्टाग्राम में, दोनों में सेम है, आप लोग दोनों पर कहीं पर भी टैक्स फॉर्म जब फिल करते हो तो वहाँ पर आपको बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है। तो देखिए ये ऑप्शनल रहता है, यदि आप लोग के पास जीएसटी नंबर नहीं है फेसबुक में या इंस्टाग्राम में और आपको जीएसटी नंबर मांग रहा है तो ये ऑप्शनल रहता है, मतलब इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इसको आपको भरना ज़रूरी नहीं होता है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। और यदि आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसको फिल करोगे तो और अच्छा रहेगा और नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। यदि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जानना है और आपको प्राप्त करना है तो आपको गवर्नमेंट की साइट पर जाना होगा, आपको जाना है gst.gov.in पर आपको जाना है, ठीक है, गूगल में, ठीक है, तो आप लोग इस साइट पर जाएगा, इस साइट पर आप लोग को जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन करके आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।